पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति मत मजहब के आधार पर नहीं एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं वो बड़ा है, या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है 26 नवंबर की तिथि को। अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं।